हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का एग्ज़ाम जनवरी माह में कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली FCI ने जो अपने नोटिस में बताया था कि आप लोग का रिजल्ट 28 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा, आज 28 फरवरी को आप लोगों का जो रिजल्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जारी कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया, तो रिजल्ट चेक करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा स्टडी के नाम से, उस ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को पता ही है, जो आप लोगों का मेन्स का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा? 5 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। इसकी डेट ऑलरेडी FCI की ओर से जारी कर दी गई थी कि आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा फेज 2 का। इसका एडमिट कार्ड बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कब तक आएगा? तो अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। मे बी हो सकता है मॉर्निंग तक या कल दोपहर या इवनिंग तक आप लोगों का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वो भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही FCI की ओर से आप लोगों का एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी कि कैसे आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को उसके साथ कैरी करनी है। उसके बाद आप लोगों का डाउट आ रहा था कि सर, जिन भी कैंडिडेट का फेज 2 में के लिए लिस्ट में नाम आ चुका है, उन कैंडिडेट को लास्ट के 4 डेज में क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, मैथ में क्या क्या करना है और इंग्लिश में क्या क्या करना है, उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या करना है और JK में क्या करना है, इसकी एक थोड़ी सी मैं स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 7 डेज की स्ट्रेटजी बता दी थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख भी ली होगी कि लास्ट के 7 डेज में आप लोगों को FCI के लिए क्या करना है। तो बाकी इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार और बेसिक से बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जिससे आप लोगों का फेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए। एक डाउट आप लोगों का यह है कि एक तो फेज 2 का एग्ज़ाम आप लोगों का FCI का जो फेज 2 का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो आप लोगों का SSC CGL का मेन्स एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, वो भी 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है, 7 तारीख तक चलेगा। तो ये 2 एग्ज़ाम एक साथ चल रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया कि आप लोगों को दोनों को एक साथ लेकर के कैसे चलना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट का फेज 2 भी है, कुछ कैंडिडेट का SSC CGL 2022 वाला मेन्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस एनालिसिस को देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मैनेजर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ये जो मैनेजर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था, मेन्स का एग्ज़ाम था ये। तो जो पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला इस मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक उसी तरीके से जो पैटर्न है आप लोगों का कैटेगरी 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस किस टाइप के आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो इसकी तो एनालिसिस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा दी थी, तो इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को आप लोग सबसे पहले इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो आप लोगों का कैटेगरी 3 का पैटर्न है ना आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों की 2 पोस्ट है, एक तो आप लोगों की डिपो वाली और एक आप लोगों की जनरल वाली। ये जो डिपो वाली पोस्ट है और जनरल वाली पोस्ट है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा। फेज 2 का सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा डिपो वाली पोस्ट में, जनरल वाली पोस्ट में। बाकी जो पोस्ट है उनमें एक पेपर तो कॉमन होगा ही होगा, उनके साथ आप लोगों का एक टेक्निकल पेपर भी होगा। मीन्स उसी दिन आप लोगों को 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो बाकी पोस्ट है आप लोगों की। बाकी पोस्टों के लिए 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, एक तो आप लोगों का 1 होगा जो आप लोगों का डिपो वाले के लिए और जनरल वाले के लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ये वाला पेपर। तो उसके बाद एक पेपर आप लोगों का सेकंड होगा जो टेक्निकल वालों को देना है। आई होप आप लोगों को पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, मैंने भी ऑलरेडी आप लोगों को पैटर्न जो कई बार समझा रखा है। अब देख लेते हैं जो आप लोगों का मेंस का पैटर्न है उसमें क्या क्या आने वाली है। उसमें आप लोगों के जो है 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी और 120 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। उसके बाद आप लोगों का जो टाइमिंग रहेगी 20 मिनट्स की रहेगी। मीन्स आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप लोगों की प्री के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग थी, उसी तरीके से मेंस के एग्जाम में भी आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का रीजनिंग, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, और ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी, जिसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यहाँ पर भी आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगी 20 मिनट्स की। तो मीन्स यहाँ पर भी आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग है, ये भी आप लोगों का बाइलिंगुअल रहने वाला है। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आप लोगों का GS वाला सेक्शन, ये आप लोगों का 45 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मार्क्स के रहेंगे, टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 30 मिनट्स की रहेगी यहाँ पर, और जो लैंग्वेज रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें आप लोगों की क्या क्या आएंगे, इंडियन हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमी आएगी, जियोग्राफी आएगी, जनरल साइंस आएगी, अप टू द लेवल ऑफ 10th। मीन्स जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th लेवल तक रहेगा, 10th क्लास तक का रहेगा। उसके बाद आप लोगों के 2 सेक्शन और इंक्लूड कर रखे हैं लोगों ने, जो करंट अफेयर है वो अलग से नहीं इंक्लूड किया, वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आप लोगों की कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछी जाएगी 5 नंबर की।
तो ये तो आप लोगों का पैटर्न था, एग्जाम का पैटर्न 120 क्वेश्चन आप लोगों के 120 मार्क्स के, और टाइमिंग 1.5 आवर, 1.5 घंटे की आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो आप लोगों को मुझे बताना है, नेगेटिव मार्किंग तो मैंने बता दिया है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हम लोग देख चुके हैं। लास्ट जो आता है आप लोगों का, अब मैं आप लोगों को जो मेंस की स्ट्रेटजी है वो बता देता हूँ कि आप लोगों को, ये तो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे क्वेश्चन, अब हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर इंग्लिश वगैरह का भी हमें बताइए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला सेक्शन आता है आप लोगों का मैथमेटिक्स का, जो मैथमेटिक्स मैनेजर के एग्जाम में पूछी गई थी वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, मॉडरेट बोल सकते हैं, और किस टाइप की पूछी गई थी, तो बिल्कुल जो आप लोगों का प्री का एग्जाम हुआ था, जो आप लोगों का प्री का एग्जाम हुआ था उसी तरीके से पूछी गई थी, सेम पैटर्न था बिल्कुल, कोई भी पैटर्न में चेंजेस देखने को नहीं मिला था, उसमें थोड़ा सा जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया था, लेवल बढ़ा दिया था, लेवल अप कर दिया था, पैटर्न बिल्कुल सेम देखने को मिला था, जो क्वेश्चन आप लोग के प्री वाले थे तो उसी को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करके दिए गए थे, तो ये आप लोग का मैथमेटिक्स का था। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे मैथमेटिक्स में क्या करना, वही आप लोगों का DI थे, सिंप्लीफिकेशन थे, तो वही टॉपिक सेम थे जो टॉपिक आप लोग के प्री में पूछे गए थे। कोई भी वीडियो देख लेना आप लोग प्री वाले, क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, जो होता है आप लोग जानते ही होंगे कि प्री में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करने हैं, और उसके उसी के तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा करके उनकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है आप लोगों को 8 मॉक देने हैं, 4 दिन आप लोगों को 8 मॉक्स देने हैं। कोई भी मॉक ले लीजिए, आप लोगों ने जो भी मॉक परचेज कर रखे होंगे, ओलाई बोर्ड का होगा, प्रैक्टिस मॉक का होगा, या फिर अड्डा 24/7 का होगा, या टेक्स्ट बुक का होगा, जो भी आप लोगों के पास मॉक पेपर्स अवेलेबल है उन्हीं मॉक पेपर्स में से डेली 2 मॉक पेपर लगाइए जिनका मेंस का एग्जाम है। टोटल एटलीस्ट 8 मॉक दे दीजिए आप लोग जिनका भी मेंस का एग्जाम है एग्जाम से पहले, जिससे आप लोगों की प्रॉपर एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और 4-5 दिन है जिससे आप लोगों का जो प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। टाइमिंग तो ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटे की ही टाइमिंग रहने वाली है आप लोगों की। आई होप आप लोग मैथ में समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। DI की चाहिए तो बता देना, सिंप्लीफिकेशन की चाहिए तो बता देना, बाकी अलग से PDF करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग मॉक भी कर लेंगे तो उसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की 8 मॉक्स में कि आप लोगों को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आप लोग मॉक देंगे उसकी अच्छे से एनालिसिस जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आई होप मैथमेटिक्स का डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का रीजनिंग वाला, तो जो रीजनिंग पूछी गई थी ये भी बिल्कुल मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। रीजनिंग के टॉपिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनपुट आउटपुट पूछा गया था, उसके बाद इनइक्वालिटी पूछी गई थी, स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और पजल जिस तरीके से प्री में पूछी गई थी उसी तरीके से 4-5 टॉपिक पूछे गए थे। बाकी जो टॉपिक रहेंगे जो आप लोगों के रहेंगे बिल्कुल प्री वाले रहेंगे, प्री वाले थे, और जो आप लोगों का लेवल था थोड़ा सा अप था, एक स्टेप ऊपर जाके पूछा हुआ था, बाकी जो पैटर्न था बिल्कुल सेम था, इनपुट आउटपुट होगी, इनइक्वालिटी आप लोगों की प्री में पूछी गई है, स्टेटमेंट बेस आप लोगों की प्री में पूछे गए हैं, पजल आप लोगों की प्री में पूछी जा रही थी, तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। 2 पजल जिस तरीके से प्री में पूछी जा रही थी उसी तरीके से मेंस में पूछी गई है, और जो आप लोगों की पजल वही थी, आप लोगों की फ्लोर बेस होगी, लाइन वाली होगी, सर्कुलर होगी, तो वही जो टॉपिक है जो आप लोगों के प्री में थे उसी तरीके से पूछी जाएगी। बस आप लोग थोड़ा सा मेंस लेवल की पजल कर लेना, जो कलर के होती हैं, कलर का जो मेंस का पेपर होता है तो उसकी कुछ पजल कर लेना, वही से आप लोगों की रीजनिंग तैयार हो जाएगी। बाकी आप लोग मॉक लगाते रहिए तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोगों के मॉक पेपर से हो जाएगी। तो ये रीजनिंग का एनालिसिस था। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है रीजनिंग के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेगा, वहाँ मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। कोई और टॉपिक की पर्टिकुलर PDF चाहिए स्लोक्स वगैरह की तो भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का रिव्यू था, रीजनिंग का आप लोग क्या क्या करना है, क्योंकि आप लोग रीजनिंग के बारे में पूछ रहे थे। अब उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश वाला सेक्शन सबसे इजी पूछा गया था आप लोगों का, जो मेंस का एग्जाम हुआ था मैनेजर का कैटेगरी 2 के अंडर में, तो वो एकदम इजी टू मॉडरेट था, तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास प्रैक्टिस ले रखी है आप लोगों ने उसी से कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा PDF करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक सजेशन आप लोगों को ये दे सकता हूँ कि आप लोग इंग्लिश के सेक्शनल लगा सकते हैं, इंग्लिश के सेक्शनल अटैम्प्ट कर सकते हैं, अड्डा से कर लीजिए, टेक्स्ट बुक से कर लिए, कोई से भी कर लिए, जो भी आप लोगों के पास आप लोगों ने मॉक परचेज कर रखे हैं उसी के आप लोग इंग्लिश के सेक्शन लगा लीजिएगा, बाकी जो प्रैक्टिस आप लोगों के मॉक पेपर से ही हो जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को डेली दो मॉक तो देने ही देने हैं, इसमें आप लोग थोड़ी सी भी कंजूसी मत करना, चाहे कुछ काम और कम कर देना, लेकिन 2 मॉक तो आप लोगों को देने ही देने हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट की मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दी कि इन 3 स्ट्रेटजी क्या क्या रहने वाली, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर अभी भी आप लोगों का इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अब आप लोगों का लास्ट सेक्शन आता है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का आता है GK वाला सेक्शन।
जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, ये 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और ये बाइलिंगुअल रहेगा और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 30 मिनट्स की रहेगी। इसमें भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि करंट अफेयर आप लोगों का, आई होप जो मैंने आप लोगों को 1 वीक पहले बताया था, तो आप लोगों को 6 महीने का करना था, लेकिन अब आप लोगों के पास 4 महीने हैं, तो करंट अफेयर आप लोगों को सिर्फ 3 महीने का करके जाना है। एक तो आप लोग दिसंबर का बहुत अच्छे से करिएगा, दिसंबर के करंट अफेयर से जो प्री का एग्जाम हुआ था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, एक तो दिसंबर का करंट अफेयर करके जाना, उसके बाद आप लोग नवंबर का करंट अफेयर बहुत अच्छे से करके जाना, और जनवरी 2023, तो इन 3 महीने का करंट अफेयर आप लोग रट कर जाना बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ इसमें से मिस नहीं होनी चाहिए। तीनों महीने का मैंने करवा रखा है, जनवरी 2023 का करंट अफेयर आप लोग को कल मिल जाएगा, एकता मैम के द्वारा बहुत अच्छी क्लास है, उसे आप लोग कर लोगे तो आप लोग को जनवरी का करंट अफेयर और कहीं से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोगों के करंट अफेयर से रिलेटेड थे, इसमें से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक बचते हैं जो आप लोगों को करके जाने, एक तो समिट्स वाली वीडियो मैंने करवा रखी है, ये करके चले जाना आप लोग, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम जो पीपीटी है रेडी है, एक या दो दिन में, या तो कल रिकॉर्ड करूँगा या परसों करूँगा, एग्जाम से पहले आप लोगों को एक गवर्नमेंट स्कीम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपॉइंटमेंट वाला जरूर करके जाना, एक अवार्ड वाला और स्पोर्ट्स वाला, तो ये आप लोग थोड़े से ऊपर ऊपर से देख कर चले जाना कि एक तो अवार्ड्स वाला टॉपिक करके चले जाना, स्पोर्ट्स वाला करके चले जाना, रैंकिंग इंडेक्स वाला करके जाना आप लोगों को, अपॉइंटमेंट्स वाला, मीटिंग वाला और गवर्नमेंट स्कीम। बाकी टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं, बस सिर्फ 3 महीने के करंट अफेयर आप लोग को अच्छे से करके जाने हैं। तो ये आप लोगों का करंट अफेयर का था, टाइमिंग आप लोगों को ज़्यादा नहीं देनी है, करंट अफेयर डेली से डेली आप लोग जो टाइम दे सकते हो 1 घंटा मैक्सिमम है करंट अफेयर के लिए, इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को करंट अफेयर पर नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, और इसका जो जो आप लोगों का एरिया है बहुत ही वाइड है, और इसका जो वेटेज है कमी है, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। आई होप करंट अफेयर आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन पर, तो ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप लोग कर भी सकते हैं। यहाँ से क्या क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ 1000 की जो वन लाइनर की सीरीज हाई स्टडी की ओर से आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, सिर्फ और सिर्फ, अगर आप लोग वो भी करके चले जाएंगे तो आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे हिस्ट्री में। लेकिन आप लोग को जो प्री के टाइम मैंने हिस्ट्री की क्लासेस ली थी, ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, मुश्किल से 20-20 मिनट की क्लासेस होंगी, लेकिन 20-20 मिनट में आप लोगों को 200-200 क्वेश्चन, 300-300 क्वेश्चन इस तरीके से करवाए गए हैं, तो आप लोगों का टाइम कम से कम लगेगा, लेकिन रिवाइज आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो प्री के टाइम मैंने हिस्ट्री करवाई थी, और जो आप लोगों को मेंस के लिए मैंने 1000 कराए हैं, सिर्फ 2 चीज़ भी अगर आप लोग कर लेते हैं इन 4 दिन में, तो आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों को इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए। तो जो मैंने आप लोगों को 2 सोर्स बताए हैं, एक तो 1000, उसके बाद जो प्री के टाइम में मैंने शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को हिस्ट्री की, वो कर लीजिएगा। जैसे बैटल मैंने आप लोगों को 10 मिनट में खत्म करवा रखी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स हैं वो भी मैंने 10-15 मिनट में करवा रखी है, जितनी भी वॉर लड़ी गई है सारी की सारी वो भी रिवाइज करवा रखी है 10-15 मिनट में। तो सिर्फ आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का जो हिस्ट्री का है ये कवर हो जाएगा, ये 2 ही सोर्स है आप लोगों के हिस्ट्री के लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का ज्योग्राफी वाला। तो ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या करना है, ज्योग्राफी के मैंने 1000 की वन लाइनर की सीरीज करवा रखी है, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, तो उस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एक तो पीडीएफ कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ज्योग्राफी में आप लोग को और क्या क्या करना है, नेशनल पार्क मैंने आप लोगों को करवा रखी है, 10-15 मिनट में सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, पीडीएफ भी दे रखी है, वीडियो भी दे रखी है, उससे भी कर सकते हैं। सेंसस 2011 20 मिनट में ऐसा सेंसस करवा रखा है, उससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, पीडीएफ भी दे रखी है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। रिवर एंड माउंटेन भी करा रखी है मैंने, डैम्स भी मैंने करा रखी है, इतना कर लीजिएगा, इससे बाहर आप लोग करने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का साइंस वाला। साइंस वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को साइंस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है, उसके बाद हिस्ट्री पर देना है, उसके बाद ज्योग्राफी पर देना है, देन आप लोग करंट अफेयर पर और कंप्यूटर पर, लास्ट में आप लोग इकोनॉमिक्स पर टाइम देना। बाई साइंस में सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग को बायोलॉजी पर देना है, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सारे करवा रखे, 1000 वन लाइनर भी, डिसीज भी करवा रखी, सेल भी करवा रखी, बोन्स वाले भी करवा रखी, केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूले करवा रखे, पीरियोडिक टेबल मैंने आप अभी करवाई थी 3-4 दिन पहले, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर मैंने नहीं करवाया, आप लोग कहीं से भी रिवाइज कर लेना जो भी आप लोग के पास बुक होगी। उसके बाद आप लोगों का जो फिजिक्स वाला सेक्शन आता है इसमें लेंस वाला चैप्टर करके जाना, मैंने कुछ भी नहीं करवाया फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ मैंने कंबाइंड करवाई है, वेव वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, ग्रेविटी वाला, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। बाकी जो आप लोगों को मैंने साइंस के क्या क्या करवाए, एक तो साइंस के मैंने आप लोगों को 1000 वन लाइनर करा रखे हैं, साइंस मैंने बहुत करवा रखी है, अगर आप लोग उतने भी करके चले जाओगे तब भी आप लोगों के साइंस में अच्छा स्कोर आ जाएगा, तो साइंस आप लोग वैसे कर लेना। बाकी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवा रखी है साइंस की, एक हिंदी वाले कैंडिडेट है, हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए मैंने 1500 वन लाइनर करवा रखे हैं,
पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, 1500 वन लाइनर है, ये हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ कर लीजिएगा साइंस में, इससे बाहर आप लोग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की साइंस कवर हो जाएगी 1500 वन लाइनर हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैंने अलग से करवा रखी है 1000 वन लाइनर, तो इंग्लिश वाले वन लाइनर कर लीजिएगा, और जो प्री के टाइम मैंने साइंस करवाई थी वो भी कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी, 300 एक एक बार करवाए थे मैंने, 601 बार करवाए थे साइंस के, तो ये करके चले जाना, तब भी आप लोगों की साइंस जो है वो कवर हो जाएगी। साइंस को आप लोग थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिएगा, और खुद भी आप लोग लूसेंट से एक बार साइंस को गो थ्रू हो जाना। लूसेंट में जितनी दे रखी है उतनी एनएफ आप लोग एग्जाम के लिए। इकोनॉमिक्स में आप लोग को सबसे कम टाइम देना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 1000 जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड करवा रखे वीडियो में पीडीएफ में, उससे कर लीजिएगा। 5 ईयर प्लान की पीडीएफ दे दूंगा मैं आप लोगों को। जीडीपी एनएनपी करके जाना, जीएसटी वगैरह से पढ़ के जाना, आरबीआई भी पढ़ के जाना, रेपो रेट भी पढ़ के जाना, सिडबी वगैरह का हेडक्वार्टर कहाँ सी है, कब बना था, कौन करंट में हेड है, नबार्ड कब बना था, नबार्ड की कौन सी पंचवर्षीय योजना में नबार्ड की स्थापना की गई थी, करंट में हेड कौन है, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आप लोग करके जाना। बाकी जो भी एक आध टॉपिक होंगे मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा एक दो एनालिसिस के बाद। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है, कोशिश करूंगा आप लोगों के 5 to 7 टॉपिक मैं आप लोगों को 2-3 दिन में कवर करवा दूँ, जो भी मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बाकी एक वीडियो आप लोगों की जो फुल फॉर्म वाली होती है, जितनी भी फुल फॉर्म हो सकती हैं, तो वो मैंने पीडीएफ तैयार कर ली है, उसकी जो वीडियो आप लोगों को कल या कल शाम तक मिल जाएगी, और पीडीएफ में भी कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का मिसलेनियस का स्टैटिक जीके का टॉपिक है। ज़्यादा टाइम नहीं देना जीके पे, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग पूछते रहते हैं क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आप लोग आर्ट एंड कल्चर वाला पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे कि पटोटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पड़ता है, शिमला में है, शुगर पर रिसर्च कानपुर में होती है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग करके जाना। डेज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, नोबेल अवार्ड दिए गए तो अवार्ड वाले में जाएगा। उसके बाद आप लोगों की हेरिटेज साइट होती है, यूनेस्को ने कौन कौन सी इंडिया में साइट है जिनको यूनेस्को का स्टेटस दिया गया है, अवार्ड से रिलेटेड जितने भी ईयर थे कि कौन सा अवार्ड किस ईयर में स्टेब्लिश किया गया था, जैसे अर्जुन अवार्ड 1961 में हुआ था, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। कलिंगा अवार्ड किसको बिलोंग करता है, कलिंगा अवार्ड ये साइंस रिलेटेड है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोग लूसेंट से करके जाना, और कहीं से मत पढ़ना इसको। उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम नहीं देना, मैंने 2 वीडियो करवा दिया, लगभग 200 एमसीक्यू कर चुके हैं हम इसमें, एक वीडियो और मिल जाएगी आप लोग कंप्यूटर की, सिर्फ उतना कंप्यूटर करके चले जाना, आप लोगों के 3 to 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो कंप्यूटर पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देना। बाकी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, पीडीएफ रिवाइज कर लोगे तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेली आप लोगों को 2 मॉक देने और उनकी एनालिसिस करनी है। मॉक कौन सा देना, मॉक जो भी आप लोगों के पास हो, टेक्स्ट बुक का हो, एलॉय बोर्ड का हो, अड्डा 247 का हो, या फिर प्रैक्टिस मॉक का, जो भी आप लोगों के पास होगा वही मॉक, उसी मॉक में से आप लोगों को डेली 2 मॉक देने और उनकी एनालिसिस करनी है। बाकी आप लोगों की जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, आप लोगों का डाउट रहता है, जितने भी पीडीएफ होगे और नोट्स होगे वो सारे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये लिंक है @highstudyhs, ये आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लेना @highstudyhs, तो आप लोग को एक ग्रुप मिल जाएगा 5000 के आसपास, उसमें कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक पीडीएफ जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं 1000 मिक्स वाली, ये एक पीडीएफ मैंने तैयार कर रखी है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये पीडीएफ है जो मेरे द्वारा तैयार की गई, 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके है इसमें। तो इस पीडीएफ की आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, ये पीडीएफ एकदम रेडी है। इस पीडीएफ में आप लोगों को मिक्स मिलेंगे, मिक्स में क्या मिलेंगे आप लोगों को, हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, उसके बाद आप लोगों की साइंस भी मिलेगी और कंप्यूटर भी मिलेगी। इन सबको कंबाइन करके एक पीडीएफ तैयार की गई है 1000 मिक्स जीके क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए पेड रहेगी, पेड कितनी रहेगी, आप लोगों को सिर्फ एक नॉमिनल फीस पे करनी है। ये फी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक अंदर से आता रहे कि हमने कुछ पैसे दिए तो हमें पढ़ना चाहिए, तो सिर्फ उसी तरीके से मैंने इसको पेड रखा है। 30 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो आप लोग पे ये 30 रुपीज़ पे करके स्नैपशॉट भेज करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जा करके आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा। बाय कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को 30 रुपीज़ का पेमेंट करना है, पेमेंट कहां पे करना है, तो एक नंबर आप लोग का 7409781828, इस नंबर पर आप लोगों को 30 रुपीज़ पेड करने हैं। पे कैसे करने, आप लोग पेटीएम यूज़ करते होंगे पेटीएम से कर दीजिए, फ़ोनपे यूज़ करते होंगे फ़ोनपे कर दीजिए, गूगल पे यूज करते होंगे गूगल पे कर दीजिए। अगर आप लोग यूपीआई आईडी से पे करते होंगे तो ये नंबर लिख देना, और @paytm, तो ये यूपीआई आईडी है, तो आप लोग या तो यूपीआई आईडी से कर सकते हो, तब आप लोग को यूपीआई आईडी पूरी डालनी पड़ेगी। खाली नंबर से करना तो ये नंबर डाल देना,
पेटीएम कर दीजिए, फोन पे कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इस नंबर पर आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग सिर्फ 30 रुपीज़ पे कर दीजिए, उसका स्नैपशॉट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझे शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ रेडी है, टोटल पेज इसमें आप लोग देख सकते हैं 89 पेज है, ये आप लोग की रेडी है, टोटल 89 पेज है। मैं आप लोग को लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ इस पीडीएफ का। तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन द ड्राई सेल, तो केमिकल होती है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 1000 रेडी है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। पीडीएफ आप लोग घबराइए मत कि आप लोग को पीडीएफ नहीं दी जाएगी, जब तक आप लोग को पीडीएफ नहीं मिले तब तक आप लोग बाकी सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए। आप लोग ज्योग्राफी आप लोगों का जो जो आप लोग का मैथ है और आप लोग की रीजनिंग है और इंग्लिश है, इनको रिवाइज कर लीजिए। ये तो 1000 आपको मिल ही जाएंगे जब आप लोगों ने पेड कर दिया है। तो मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा, आज रात में इसको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ को, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता दी, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, नोट्स कहाँ से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर हाइट स्टडी चैनल से आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही स्टडी उसकी एफसीआई की ओर से आप लोगों का एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।